नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कांग्रेस एक बार फिर बढ़ती महंगाई, जीएसटी और अग्निपथ योजना के खिलाफ मैदान में उतरी है। उसी के चलते कांग्रेसी प्रदर्शन के रूप में कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर मूल्य वृद्धि, खाने पीने की आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी और अग्निपथ योजना के खिलाफ इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय पर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल का कहना है कि पूरे देश में, प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है। सभी सांसद विधायक इसका विरोध कर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। खान पान की चीजों पर भी जीएसटी लगा दिया है। मोदी सरकार ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। कोरोना काल में लोगों की स्थिति खराब हो चुकी है और ऐसे में इस तरीके से महंगाई को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जो गलत है, और इसका पुरजोर विरोध कांग्रेस कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर, आज शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जीएसटी के विरोध में जो 5% जीएसटी इन्होंने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, शक्कर इस पर लगा दिया है, अग्निपथ की जो युवा लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जो बेरोजगार हो जाएंगे 2 साल बाद, ईडी के मामले को लेकर जो हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को परेशान करने बाबत, और तो और आज जो नन्हे मुन्ने बच्चे आइसक्रीम खाते थे उसमें भी 18% जीएसटी लगा दी गया है। इन सब मामले को लेकर, महंगाई को लेकर, जो पेट्रोल डीजल का दाम आसमान पर छू रहा है उसको लेकर आज हमने यहाँ प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया है। हमारी मांग की है मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान से कि तत्काल जो खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगा उसे वापस लें, और जो हमारे झूठे मुकदमे हमारे नेताओं में लगा उनको वापस लें, अन्यथा आने वाले समय में कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, क्योंकि मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार गूंगी, लंगड़ी, लेली, टूली हो चुकी है। उनको जगाने के लिए आज कांग्रेस ने यहाँ पर रंगी प्रदर्शन किया है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और